पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को किया था पुरस्कृत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना। उत्तर प्रदेश आज मना रहा है अपना 74वां स्थापना दिवस। लखनऊ के अवध शिलग्राम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने समारोह को किया उद्घाटन। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, प्रदेश में विकास कार्यों और योजनाओं का सरकार ने अच्छा संतुलन बनाए रखा है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और उनके माध्यम से कक्षा शिक्षण को जीवंत और रोचक बनाने में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यशाला का आयोजन। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लिया भाग। दिल्ली में उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखेगा अयोध्या का दीपोत्सव। झांकी में अयोध्या में सरयू किनारे होने वाले दीपोत्सव के उल्लास को प्रमुखता से दर्शाया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर। राष्ट्रपति सिसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने कराई एफआईआर दर्ज। दिल्ली में एनसीआर में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल रहा।